हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फोटोन क्लासेस पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है इसमें सभी एकदम सही होंगे, सही सलामत होंगे, अपने घरों में होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो उसी पढ़ाई की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे इतने दिन से, इसके 4 वीडियो अपन पहले भी बना चुके हैं, अब अपन इसका 5वां पार्ट लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। 4 वीडियो में क्या क्या पढ़ा था अपन ने, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वैक्यूम एंड कूलम्स लॉ इन मीडियम। ठीक है, तो ये जो कूलम्स लॉ था ये पूरा अपन कर चुके थे, अप्रोक्सीमेटली लगभग हो गया था। बट एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास में जो फोर्स है, क्या है फोर्स, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और अपन ने जो कूलम्स लॉ बोला था एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में क्या था आर स्क्वायर। तो इसमें कहीं भी अपन ने वेक्टर फॉर्मेट नहीं लिया। तो कई बार आपका क्वेश्चन कहां से आता है कि ये जो फोर्स है इसकी वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन आता है, तो आज अपन इसी की बात कर रहे हैं कि कूलम्स लॉ जो था आपका क्या कर रहा था, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा था, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, व्हाई, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आज अपन इसी पॉइंट पे बात करेंगे, तो आपका आज का पॉइंट क्या हो जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ऑफ कूलम्स लॉ। अब देखो, इसके लिए आपको कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी, या फिर अपन मान के चलते हैं, ठीक है, कि आपके पास में दो चार्जेस हैं, क्या है दो चार्जेस। जैसे मैंने ये फर्स्ट चार्ज ले लिया, आपका कौन सा है Q1, चार्ज कौन सा है Q1, और सेकंड चार्ज आपका है Q2। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, अरे पोजीशन वेक्टर समझते हो ना, 11th क्लास में सबने पढ़ रखा है, वो कितना होगा R1 वेक्टर, कितना होगा R1 वेक्टर। और दूसरा जो आपके पास में पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा R2 वेक्टर, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये मैंने मान लिया Q1 कैसा है पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा होगा पॉजिटिव। एक बार के लिए अज्यूम कर रहे हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि दोनों कैसे हो पॉजिटिव हो, आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि दोनों कैसे हैं पॉजिटिव। ठीक है, अब इन दोनों को जॉइन करने वाली जो लाइन होगी ये कौन सी हो जाएगी, दिस वन। ठीक है, अब यहां से ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा F21 वेक्टर। अरे F21 मतलब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। मैंने क्या बोला था, जो भी फोर्स लगेगा अलोंग द लाइनिंग जॉइन बोथ चार्जेस, कूलम्स लॉ का थर्ड पोस्टुलेट बोल रहा था कि जो भी फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा, जो दोनों लाइन दोनों चार्ज है उन दोनों चार्ज को जॉइन करने वाली लाइन है उसके अलोंग। रिपल्सन है तो रिपल्सन कहां की ओर लगता है, बाहर की ओर। तो F21 कौन सी डायरेक्शन में लग गया, इस डायरेक्शन में। F12 कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगा, इस डायरेक्शन में। F21 आपका क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। और F12 क्या हो जाएगा आपके पास में, जस्ट इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ड्यू टू सेकेंड चार्ज। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, अब ये तो आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड पूछा जाए इसका, तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट कैसे निकाल दूंगा कि F इज इक्वल्स टू कितना होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। बट एक चीज ध्यान रखनी चाहिए आपको कि यहां पे जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन आनी चाहिए, और डायरेक्शन जब भी आती है तो डायरेक्शन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए अपन यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, क्या यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहां पे एक चीज सोच के चलो कि यहां पे F21 फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज जो टू वन चार्ज, तो इसका पोजिशन वेक्टर भी कितना हो जाएगा
आर टू वन वैक्टर, कौन सा क्यू वन से लेके क्यू टू तक, और क्यू टू से लेके क्यू वन तक कौन सा हो जाएगा आर वन टू वैक्टर। ये आपके पास में दोनों क्या हो गए पोजिशन वैक्टर। ठीक है, तो आपके पास में मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड, और आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो आप क्या करोगे यूनिट वेक्टर ले लोगे, क्या ले लोगे यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या बोल देता हूं एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, बट डायरेक्शन चाहिए, तो एक सी दो की ओर वेक्टर कौन सा है आर टू वन, और डायरेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, तो मैं यहां पे क्या लगा दूंगा आर वन टू कैप, कोई दिक्कत। और वी नो दैट, इलेवंथ क्लास में पढ़ चुके हैं अपन, वी नो दैट आर कैप इज इक्वल्स टू कितना होता है आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, कोई दिक्कत। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा आर वन टू कैप इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर वन टू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन टू वेक्टर, को दिक्कत। ठीक है, अब एक चीज बताओ यहां पे छोटी सी चीज ध्यान रखना कि आर वन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस, अरे दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस होगी ना, और डिस्टेंस अपन क्या मान के चले हैं पहले ही आर मान के चले हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा आर वन टू कैप इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर वन टू वेक्टर अपॉन में आर, कोई दिक्कत। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं कि नहीं, तो आपके पास में क्या हो जाएगा ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखो कि एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर इनटू में आर वन टू कैप, और आर वन टू कैप की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं कितनी हो जाएगी आर वन टू वेक्टर अपॉन में आर, कोई दिक्कत। तो यहां से आपके पास में एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर क्यू इनटू में कितना हो जाएगा आर वन टू वेक्टर, कोई दिक्कत। क्लियर है यहां तक, और इसका मैग्नीट्यूड आर की वैल्यू चाहिए या आर वन टू वेक्टर चाहिए, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे इधर ध्यान देना थोड़ा सा कि अपन इसमें ट्रायंगल रूल अप्लाई करेंगे, तो आर टू वन वेक्टर कौन सा आर टू वन वेक्टर कितना हो जाएगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर माइनस में कितना हो जाएगा आर वन वेक्टर, और R इज इक्वल्स टू कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, तो मैं R की जगह क्या लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कोई दिक्कत। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में F21 वेक्टर F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के Q1 Q2 ये R12 कर दो आप, Q1 Q2 अपॉन में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और इनटू में क्या हो जाएगा आपके पास में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये तो आपके पास में F12 आ गया, सपोज तो आपसे क्या पूछा जाए F21 वेक्टर पूछा जाए, तो एक बार बताओ F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F21 कौन सी डायरेक्शन में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे F12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ F21 वेक्टर, F12 वेक्टर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेगी ऑपोजिट, और ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे ऑपोजिट वेक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑपोजिट वेक्टर, कोई दिक्कत। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, बट एक चीज ध्यान रखना जब भी आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं इससे वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड, तो कभी भी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि इसका पोजीशन वेक्टर ये है इसका पोजीशन वेक्टर ये है वगैरह वगैरह, ये फॉर्म कई बार क्या किया जाता है बोर्ड में डेराइव करवा ली जाती है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसमें इतना ध्यान रखना रिपल्सन होगा तो लाइन को ज्वाइन करने वाले, जब रिपल्सन होगा तो ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहां की ओर लगेगा
बाहर की ओर, ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहां की ओर, बाहर की ओर, और जब अट्रैक्शन होगा तो कहां की ओर लगेगा, अंदर की ओर, कहां की ओर, अंदर की ओर। सपोज करो मैं आपको एक चीज बताता हूं सिंपल, कि यहां पे दो चार्ज है, ये कौन सा है Q1 और ये कौन सा है Q2, और यहां पे भी दो चार्ज है आपके पास में Q3 एंड Q4। सपोज करो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये दोनों के दोनों कैसे नेगेटिव मान लो, या दोनों कैसे मान लो पॉजिटिव, तो जब अनलाइट चार्ज होंगे क्या करेंगे, अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो ये चाहेगा कि ये इधर आ जाए और ये चाहेगा कि ये इधर आ जाए, तो इस केस में दोनों के फोर्स क्या लगेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में बट टुवर्ड्स द सेंटर, कहां की ओर लगेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर लगेंगे, ये चीज ध्यान रखना बस। और यहां पे देखो दोनों लाइट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो फोर्स वही ऑपोजिट रहेगा दोनों पे, बट आउटवार्ड द सेंटर, कहां की ओर लगेगा, आउटवार्ड द सेंटर, बाहर की ओर लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है? यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक्चुअल में जो ये आपके पास में वेक्टर फॉर्म ऑफ क्रॉन्स लॉ है, इसका यूज किया जाता है किसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। किसमें यूज किया जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, जिसकी अपन अभी बात करने वाले हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा सारा, 11th से रिलेटेड आपको क्या करना है, केवल और केवल कूलॉम्स लॉ जो था K Q1 Q2 / R² इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, और आपके कौन सी फॉर्मेट आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। और यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है 11th क्लास में समझ ही चुके, और रिलेटिव वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी 11th क्लास में कर चुके हैं। तो ये बहुत बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस आपको ये चीज ध्यान रखेंगे इतना सा, एज सिंपल एज दैट। जब भी वेक्टर आएगा तो अपन डायरेक्शन लेंगे, और डायरेक्शन किससे आएगी, यूनिट वेक्टर से। क्लियर? ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे इसकी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और वो है आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पहले ये डाउट आता है कि सर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता कहां है और इसका यूज कहां पे करते हैं अपन। पहला पॉइंट कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, देखिए लो, प्रिंसिपल, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, आपको एक चीज ध्यान रखना कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कब किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है मल्टी चार्जेस के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, मल्टी चार्जेस, किसके लिए, मल्टी चार्जेस। सपोज करो आपके पास में दो या दो से ज्यादा चार्जेस हो, और उनका आपको एक पॉइंट पे या एक ऐसे चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो, तो अपन किसका यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो फर्स्ट चीज में क्या बोल सकता हूं, यूज्ड टू कैलकुलेट नेट फोर्स ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसके लिए, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है? ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, या इसका आपके पास में क्या होता है फॉर्मूला या कंसेप्ट की अपन बात करें, फॉर्मूला या कंसेप्ट, तो एक सिंपल सी बात बताओ कि आपके पास में एक ये कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस रखे हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं ये चार्ज है आपका Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, और दस 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 ये चार्ज आपका आ गया Qn। कोई दिक्कत? अब इन सब चार्जेस की वजह से आपको एक पॉइंट O पे या कि इस पॉइंट पे Q0 पे चार्ज रखा गया है। पॉइंट O पे कौन सा चार्ज रखा गया है, Q0 चार्ज। अब Q0 पे आपको क्या करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना एक पॉइंट आपको और बताता हूं कि जो भी कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ में क्या होता है आपके पास में, ये केवल और केवल दो चार्जेस के लिए, टू चार्जेस इंट्रैक्शन है,
टू चार्जेस इंट्रैक्शन, इसमें थर्ड चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ता। केवल और केवल कितने चार्जेस का इंट्रैक्शन देखना है, दो चार्जेस का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो चार्जेस का पेयर ले लूंगा, क्यू नोट और क्यू वन। इस पे फोर्स लगेगा, मैंने मान लिया कौन सा एफ नोट वन, यहां से फोर्स लगेगा कौन सा एफ नोट टू, यहां से फोर्स लग जाएगा कौन सा एफ नोट थ्री, दिस दिस यहां से ऐसे कितने फोर्स लग जाएंगे एफ नोट एन वेक्टर फॉर्म में सारे के सारे। व्हाई? बिकॉज फोर्स किसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जब भी आपको कोई चीज नेट कैलकुलेट करनी हो तो आप उसका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। बट यहां पे क्या चीज है, वेक्टर है। तो जैसे चार्जेस में अपन एलजेब्रिक सम करते थे या मैथमेटिकल सम करते थे, वैसा सम यहां पे नहीं होगा। तो यहां पे कौन सा सम होगा आपके पास में, वेक्टर एडिशन कर देंगे। क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन। कितने तक, जितने चार्ज आपके गिवन है या जितने फोर्स आपके पास में बन रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। कोई दिक्कत? अब वेक्टर दिक्कत आती होगी, सर ये वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। तो 11th क्लास में अपन ने बहुत से रूल पढ़े हैं। कौन कौन से रूल आपके पास में वेक्टर एडिशन के लिए, ट्रायंगल रूल हो गया, पैरेललोग्राम रूल हो गया, पॉलीगन रूल हो गया। तो वो तीनों रूलों की अप्लाई आपको यहां करना है, कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन समटाइम आपके पास में क्या होता है कि कभी भी इन रूल्स का यूज नहीं करते, तो क्या करते हैं, सिंपल सपोज करो, एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, ठीक है। ये तो आपके पास में क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। और चीज क्या दे रखी है आपको, f नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, f नोट वन वेक्टर प्लस f नोट टू वेक्टर, डॉट 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 कहां तक जाएगा, f नोट n वेक्टर तक। कोई दिक्कत? ये आपके पास में क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आपको f नेट कैलकुलेट करना है तो ये सारी चीजें नहीं रखे हैं, ठीक है। अब कई बार आपको क्या दिया होता है कि इनका वेक्टर सम करने के लिए अपन ट्रायंगल रूल या पॉलीगन रूल ना यूज करके डायरेक्ट क्या यूज ले लेते हैं, डायरेक्शन यूज लेते हैं। क्या यूज लेते हैं, डायरेक्शन। कैसे, एग्जांपल समझो, है कि थ्री चार्जेस ऑफ टू माइक्रोकूलम, थ्री माइक्रोकूलम एंड माइनस फाइव माइक्रोकूलम आर प्लस डेट -300 एंड 3000 एंड 300 रेस्पेक्टिवली then find out net force on 3 microcoulomb charge। तो दिक्कत, ये आपके पास में क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, आपके पास में चार्जेस कितने हैं, मोर देन टू। कितने चार्ज है, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and -5 microcoulomb, मतलब मोर देन टू चार्ज हो गए। और जब मोर देन टू चार्ज हो जाएगा तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। तो जब भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना, उस केस में सबसे पहले इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन 0 0 0। अब देखो यहां पे जो कोऑर्डिनेट गिवन है इसमें -300 एंड +300, मतलब कोऑर्डिनेट केवल और केवल किसके चेंज हो रहे हैं, एक्स एक्सिस के। तो एक मैंने चार्ज मान लिया यहां पे -300 और सेकंड आपका चार्ज हो गया 300। कोई दिक्कत, ये आपके पास में टोटल कोऑर्डिनेट्स आ गए। बट यहां पे एक चीज और ध्यान दो, कितने चार्ज है, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and -5 microcoulomb आर रेस्पेक्टिवली प्लेस ऑन द पॉइंट -300 0 0 0 3 0 0।
यानी रेस्पेक्टिव रखेंगे, पहले कौन सा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम वाला वो कहाँ रहेगा दिस पे, और देन 3 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे आपका चार्ज आ गया 2 माइक्रोकूलम, ये हो गया 3 माइक्रोकूलम और ये कौन सा हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपको क्लांस लॉ का थर्ड पोस्टुलेट यूज करना है, क्या यूज करना है थर्ड पोस्टुलेट, क्या बोलता है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपल्सन कहाँ की ओर बाहर की ओर, तो यहाँ पे रिपल्सन हो गया, ये मान लिया मैंने F2 पर, किसकी वजह से 3 की वजह से, सॉरी आपको किस पे कैलकुलेट करना है पहले नेट फोर्स देखो किस पे, ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज, तो रिपल्सन कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में F3 पर, किसकी वजह से 2 की वजह से। सेकंड थर्ड 3 माइक्रोकूलम पे नेट कैलकुलेट करना है, तो 3 पे एक तो कौन सा लगाएगा 2 माइक्रोकूलम फोर्स अप्लाई करेगा, और सेकंड कौन सा -5 माइक्रोकूलम भी अप्लाई करेगा, कौन अप्लाई करेगा -5 और -5 जब अप्लाई करेगा तो दोनों कैसे हैं अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, ठीक है अट्रैक्शन होगा, तो ये फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगेगा सेम डायरेक्शन में, तो एफ नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा F3 2 वेक्टर और प्लस में कितना हो जाएगा F3 5 वेक्टर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप चाहो तो वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगल रूल वगैरह यूज कर सकते हो, बट रिक्वायरमेंट ही नहीं है, व्हाई बिकॉज मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा बोथ द फोर्सेस आर यूनिडायरेक्शनल, कैसे है यूनिडायरेक्शनल है मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सो नेट फोर्स will be algebraic sum, क्या हो जाएगा आपके पास में algebraic sum, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो कि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो अपन ने क्या कर दिया डायरेक्ट algebraic sum कर दिया, सपोज करो आपको यहां पे क्या दे दिया था +5 माइक्रोकूलम, तो उस केस में ये कहां जाता है इधर, ठीक है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं ऑपोजिट हो जाते हैं, तो अपन डायरेक्ट सम ना करके यहाँ पे क्या कर देते सबट्रैक्ट, इतना ध्यान रखना जब दोनों वेक्टर फॉर्म सेम डायरेक्शन में हो गए तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास में क्या लिख दूंगा ध्यान देना कि एफ नेट आपके पास में कितना हो जाएगा F3 2 प्लस में कितना हो जाएगा F3 5, अब वेक्टर फॉर्म मैंने हटा दी क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन है नहीं, तो केवल और केवल किसका सम होगा मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन तो क्या रहेगी सेम रहेगी, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एफ का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में K Q2 Q3 अपॉन में आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, K की वैल्यू आप कॉमन ले लो, Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे 10^-6, Q2 कितना है 3 माइक्रोकूलम 3 × 10^-6, ठीक है डिवाइडेड बाय R, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने हैं 3 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा K कॉमन आ चुका है, Q2 की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम 3 × 10^-6, Q3 की वैल्यू कितनी होगा 5 × 10^-6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, व्हाई बिकॉज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी आएगी 3, ठीक है अब इसको सोल्व कर दो 3 से 3 कैंसिल K की वैल्यू 9 × 10^9, ठीक है और यहाँ पे कितना बचेगा 2 × 10^-12 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 5 × 10^-12 और डिवाइड बाई कितना बचेगा दोनों के 3 बचेगा जो कॉमन लेके मैं यहाँ ले आऊंगा, कोई दिक्कत कैंसिल आउट, आंसर इसको सोल्व कर लेना 3 × 10^9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 10^-12, ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करके और एड सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर ला सकते हो, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21 × कितना हो जाएगा 10^-3 न्यूटन, ये आपके पास में कौन सा फोर्स आ गया एफ नेट, ठीक है डायरेक्शन पूछा जाए तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे और कौन से डायरेक्शन में आ रहे थे प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो एफ नेट कितना हो जाएगा आपके पास में 21 × 10^-3 न्यूटन और कौन सी डायरेक्शन आई कैप, वाई बिकॉज प्लस डायरेक्शन प्लस एक्स के डायरेक्शन को अपन कैसे शो करते हैं आई कैप से, माइनस एक्स के डायरेक्शन
प्लस एक्स आई कैप से माइनस एक्स, माइनस आई कैप से वाई एक्स, किससे शो करते हैं जे कैप से माइनस वाई, किससे माइनस जे कैप से, और जेड एक्सिस को किससे शो करते हैं के कैप से माइनस जेड को, किससे माइनस के कैप से। तो बस लास्ट में आपको क्या करना है एक्सिस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन शो कर देनी है, कोई दिक्कत यहां तक ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज कई बार आपसे और पूछी जाती है, वो पूछा जाता है न्यूट्रल पॉइंट, आपके पास में क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछा जाता है और इलेक्ट्रिक फोर्स में भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे आगे, बट अभी आप इस पे ध्यान दो कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। सिंपल सी बात, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है फिजिक्स में, इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट आपका एक तरीके से क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स है। क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, मतलब जहां पे आपके पास में क्या होगा फोर्स का इक्विलिब्रियम होगा, और फोर्स का इक्विलिब्रियम अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है अ पॉइंट व्हेन नेट फोर्स विल बी जीरो इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट आपके पास में क्या हो जाएगा अ पॉइंट व्हेन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स जीरो इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। कोई दिक्कत कि भाई आपके पास में पेयर ऑफ चार्जेस चाहे दो चार्ज हो चाहे तीन चार्ज हो चाहे ग्रेटर देन थ्री चार्जेस हो फोर चार्ज हो जितने भी चार्ज हो उन चार्जेस के जो सिस्टम के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर क्या होगा आपका नेट फोर्स जीरो होगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो जो पॉइंट होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अदर वर्ड्स में यदि अपन डिफाइन करें तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है कि भाई मैं एक बार दो चार्जेस का सिस्टम लेके चलता हूं कि यहां पे आपके पास में फोर्स है क्यू वन, यहां पे फोर्स है सॉरी यहां पे चार्ज है क्यू वन, यहां पे चार्ज क्या है क्यू टू, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है न्यूट्रल पॉइंट एन यहां पे मिल रहा है ठीक है। तो यहां पे नेट फोर्स एफ इज इक्वल्स टू कितना है जीरो है, क्या है जीरो। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि यहां पे नेट फोर्स जीरो है तो मैं कोई तीसरा चार्ज क्यू थ्री लाके रखूंगा तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही फोर्स क्या है आपके पास में जीरो है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि किन्हीं भी चार्जेस के सिस्टम के बीच में वो पॉइंट जहां पे कोई अनदर चार्ज रखा जाए तो नेट फोर्स क्या रहता है जीरो रहता है या फिर उस पर कोई फोर्स फील नहीं होता तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है न्यूट्रल पॉइंट। को देखकर तो मैं क्या बोलूंगा अ पॉइंट इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस वेर अनदर चार्ज फेल जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स is known as neutral point। कोई दिक्कत? ये बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट और यहां से कई बार क्वेश्चन आता भी है कि न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करो या फिर आपसे न्यूट्रल पॉइंट ना पूछ के यही डेफिनेशन को घुमा देता है कि दो चार्ज है 3 माइक्रोग्राम और 9 माइक्रोग्राम के तो उन दोनों चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज कहां प्लेस किया जाए ताकि उस पर कोई फोर्स ना हो या उसके डिस्टेंस में या फिर उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो या उसके वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, कोई दिक्कत? तो वही केस लेके चल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि अपने जो सिलेबस में है वो कौन सा सिस्टम है टू चार्जेस सिस्टम का ही न्यूट्रल पॉइंट है। तो ध्यान देना आपके पास में ये चार्ज है क्यू वन
और ये चार्ज है Q2 को लेकर, ठीक है। दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं, R डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो आपको न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करना है, क्या करना है, उधर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको इस साइड से एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखो दो चार्जेस है, कौन सा, फर्स्ट चार्ज आपका Q1 एंड सेकेंड चार्ज इज Q2, और ये दोनों सेपरेट किए गए, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, देन फाइंड आउट न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन देम। तो देखो सिंपल सी चीज है, जब भी आपको कोई चीज फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले अपने को अज्यूम करना चलता पड़ता है। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट न्यूट्रल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x from Q1 charge। अब ये x मैंने सिंपलिसिटी के लिए माना है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, y, z और Q1 के बजाय Q2 से भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या माना कि आपके पास में जो न्यूट्रल पॉइंट है n, वो कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, x को टोटल डिस्टेंस r थी, ये कितनी हो जाएगी, r माइनस x, को दिक्कत, क्लियर नहीं आता है, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने क्या बोला था, थर्ड चार्ज पे फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो मैंने थर्ड चार्ज रख दिया यहां पे Q0, क्या रख दिया, Q0। तो मैं क्या बोल दूंगा, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल पॉइंट्स डेफिनेशन आपके पास में क्या हो जाएगा, F नोट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। F नोट क्या होना चाहिए, जीरो, यानी नेट फोर्स किस पे, क्यू नोट चार्जेस पे जीरो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो यहां पे कोई सिंबल नहीं दिया तो मैं इसको भी पॉजिटिव ले लेता हूं, इसको भी पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो F नोट जीरो होना चाहिए, तो F नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नोट पर किसकी वजह से, 1 की वजह से, प्लस F नोट पर किसकी वजह से, 2 की वजह से, कोई दिक्कत, याद तक क्लियर है भाई। फर्स्ट चार्ज भी इस पे लगाएगा तो कितना हो जाएगा, F नोट 1 बाहर की ओर, अभी अपन ने वेक्टर फॉर्म पढ़ी और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़ा है, ध्यान रखना। दूसरा सेकंड चार्ज लगाएगा तो वो किधर, इस साइड, ये हो गया आपका F नोट 2 वेक्टर। अब यहां पे आपको ये चीज तो पता होगी कि मैंने ये डायरेक्शन इधर क्योंकि, ये इधर क्योंकि, बिकॉज दोनों पॉजिटिव, रिपल्सन, रिपल्सन बाहर की ओर, दोनों पॉजिटिव, रिपल्सन बाहर की ओर, तो इन दोनों सिस्टम के लिए रिपल्सन इस साइड में, इन दोनों सिस्टम के लिए रिपल्सन इस साइड में। तो यहां पे एक चीज बताओ भाई, F नोट 1 इस डायरेक्शन में चल रहा और F नोट 2 इस डायरेक्शन में, क्या दोनों वेक्टर ऑपोजिट है, तो मैं क्या बोल लूंगा, F नोट 1 वेक्टर एंड F नोट 2 वेक्टर आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट होगा तो उस केस में मैंने बताया था कि जब यूनि डायरेक्शनल होंगे तो अपन डायरेक्ट एलजेब्रिक सम कर देंगे, और ऑपोजिट होंगे तो अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट एलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो F नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नोट 1 माइनस F नोट 2, कोई दिक्कत, क्लियर। अब F नोट क्या होना चाहिए, जीरो पुट कर दो तो जीरो इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, F नोट 1 इज इक्वल टू माइनस F नोट 2, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। और इसको मैं क्या बोल दूंगा, F नोट 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नोट 2, वाई इस साइड सब्ट्रैक्शन में आके क्या हो जाएगा, प्लस में। और अपन जानते हैं जो आपका फोर्स होता है, फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, जब अपन डायरेक्शन ले चुके हैं तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की तो जरूरत ही ना है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव सिंबल ले चुके हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी, वेक्टर फॉर्म की। तो अपन डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेंगे तो F नोट 1 कितना हो जाएगा, के क्यू नोट क्यू 1 अपॉन में डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है, x स्क्वायर, और F नोट 2 कितना हो जाएगा, के क्यू नोट क्यू 1 अपॉन में r माइनस x का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r माइनस x, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, के क्यू नोट क्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के क्यू नोट क्यू 1
सॉरी क्यू टू अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कैसे के कैंसिल, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा r माइनस x का होल स्क्वायर। तो Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x अपॉन में r माइनस x का होल स्क्वायर। यहां से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो वही आपके पास में क्या आ जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। जैसे ही x की वैल्यू आई मैं क्या बोल दूंगा कि Q1 चार से इतने डिस्टेंस पर, सपोज करो ये कितना था 15 सेंटीमीटर था, ये कितना आ जाता है 6 सेंटीमीटर, तो मैं क्या बोल दूंगा कि Q1 चार से न्यूट्रल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आता है 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, या फिर Q2 से कितनी 15 माइनस 6 यानी 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आता है। तो आपसे दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है कि Q1 से कितने डिस्टेंस पे या फिर Q2 से कितने डिस्टेंस पे, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।